एक भक्त जगन्नाथ जी के यहां नीलाचल में रहता था। उसके जीवन में बहुत कष्ट आए, दुखी हो गए। हे नीलाचलनाथ, हे नीलाद्री, मैं तुम्हारे पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहता हूं, जहां पर यमराज को भी सख्त मना है कि किसी को नरक मत ले जाना इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले को। जगन्नाथपुरी में जन्म लेने वाले को यमराज देख नहीं सकता, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। लेकिन प्रभु, आपके इस क्षेत्र से भले ही व्यक्ति नरक ना जा सकता हो, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, तो नरक तो आप यहीं बना देते हो। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के सामने कहने लगा। इससे बढ़िया तो हम यमलोक चले जाएं, जितना कष्ट हमको यहां मिल रहा है। श्री जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए। बोले, तू रोता क्यों है? कष्टों की वजह से रोता है? तू कष्ट में है तो क्या हुआ? सदा सर्वदा मैं तेरे साथ हूं ना। अरे भाई, ये संसार दुखाल है, यहां कष्ट आएंगे ही आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुझे लगता है कि तू बहुत कष्ट में है, तू इस कष्ट से निवृत्त होना चाहता है, तो जब कभी भी तुझे कष्ट का अनुभव हो ना, तो उस कष्ट पे सुख की अनुभूति के लिए समुद्र किनारे चल करके देखना, तुझको दो पैर दिखाई देंगे, एक तेरे चरण चिन्ह, एक मेरे चरण चिन्ह। तब ये अनुभव करना कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, और मेरे सन्निधि का अनुभव जब तुझको होगा तो तुझे कष्ट का अनुभव नहीं होगा। वो भक्त रोज जाता समुद्र किनारे चल करके देखता, तो जब चलता तो पीछे देखता तो दो पैरों के चिन्ह, उसके दो पैरों के चिन्ह श्री जगन्नाथ जी के, और वो प्रसन्न हो जाता। इस प्रकार प्रसन्न रहने लगा, रोज जगन्नाथ जी को टेस्ट करने जाता कि मेरे साथ हैं कि नहीं। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़े संकट का पहाड़ गिर पड़ा। अत्यंत दुखित रोता हुआ समुद्र के किनारे पहुंचा, और समुद्र के तट पर जब चल रहा था तो उसको अनुभव हो रहा था शायद जगन्नाथ जी मेरे साथ नहीं है। पीछे मुड़कर के देखा तो केवल दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे। विलखने लगा, रोने लगा, रुदन करने लगा, हे नाथ, हे नीलाद्री, हे नीलाचल, आप भी केवल उसी के साथ रहते हो जो सुख से संपन्न है, दुख से संपन्न व्यक्ति को आप भी छोड़ देते हो। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। क्यों रुदन करता है? बोले, देखो, आज आपके चरण चिन्हों का दर्शन नहीं हो रहा है, केवल मेरे चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आपके चरण चिन्ह नहीं है। इसका मतलब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया आज। जगन्नाथ जी ने उसको गोद में उठाया और कहने लगे, बालक, जब तू चलता है और तेरे को चार चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उस समय मैं भी चलता हूं और तू भी चलता है, जिस प्रकार पिता पुत्र के साथ हाथ पकड़ करके चलता है। लेकिन जब पुत्र बीमार होता है, पुत्र किसी कष्ट में होता है, पुत्र किसी दुख में होता है, तो पिता उसको हाथ पकड़ के चलवाता नहीं है, पिता उसको गोद में लेकर के चलता है। तू बहुत कष्ट में है तब तुझको दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये दो चरण चिन्ह तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। तू तो दुख से है, इसलिए तुझको तो गोद में मैंने उठा रखा है, तू थोड़ी चल रहा है, चल तो मैं रहा। जब दुख संकट जीवन में आते हैं ना, एक अनुभूति करना, तब भगवत स्मरण ज्यादा होता है। कुंती जी कहती हैं इस बात को, और वो स्मरण इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ठाकुर जी हमको गोद में उठाए होते हैं। नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान गीता में कहते हैं, मैं अपने भक्त को पतन होते हुए नहीं देख सकता, अपने भक्त को रुदन करते हुए नहीं देख सकता, अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकता। ऐसे श्री जगन्नाथ सदा सर्वदा हम सब जीवों पर कृपा करते हैं, निरंतर साथ रहते हैं। बिना बुलाए बोले, मायरी मेरो श्याम लगो संग डोले। ठाकुर जी से यदि प्रीति आप चाहते हो,
ठाकुर जी को प्रेम करना तो सब करते हैं, लेकिन ठाकुर जी आपसे प्रेम करने लगे उसके लिए आप पाक शास्त्र में खूब बढ़िया हो जाओ। बढ़िया बढ़िया भोजन सामग्री बना करके ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करने लगो तो ठाकुर जी आपसे प्रीति करने लग जाएंगे। लाल जी हमारे भोजन के बड़े प्रिय हैं, ठाकुर जी हमारे खावे पीवे में बड़ी रुचि रखते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर में जब दाल भात सिद्ध किया जाता है तो भोजन बनाने वालों को मुंह पर पट्टी बांध के रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रसाद बनाते हुए यदि उसकी सुगंधि भी आपकी नासिका में चली गई और सुगंधि से जाकर के आपकी जिह्वा में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये बहुत स्वादिष्ट बन रहा है, इसको लाल जी के भोग के बाद हम खाएंगे, यदि उस प्रसाद के प्रति इतनी भावना भी आ गई ना, जगन्नाथ जी उसका भोग नहीं लगाते। एकादशी व्रत के महात्म में ऐसा लिखा है, आपने एकादशी व्रत किया और सामने वाला यदि कुछ खा रहा है उसको खा करके आपकी जिह्वा में पानी आ जाए और आप सोचो कि अरे कब एकादशी पूरी हो, मैं भोजन करूं, इतने मात्र से एकादशी टूट जाती है। तो ऐसे ही ठाकुर जी का भोग सिद्ध करते समय यदि हमारे मन में भाव आ जाए, देखो कितना स्वाद बना है, और बार बार आप जो है अपने अपने मुखमंडल के सुंदर उस रस को बार बार पीना शुरू कर दो, अरे जल्दी भोग लगे हम पाए, उसको ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते फिर। बल्कि भावना ऐसी होनी चाहिए, ये भोजन बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत सुखद है, ठाकुर जी पधारेंगे, मधुमंगल आएगा, श्रीदामा आएगा, ठाकुर जी के सब सखा आमेंगे, प्रेम से प्रसाद पाएंगे, भोग लगाएंगे और उनके मुखमंडल से जो अधरामृत निकलेगा उस अधरामृत के मिश्रित होने के बाद हमको प्राप्त होगा, इस प्रकार की भावना से भोग सिद्ध किया जाए तो ठाकुर जी भोग पाते हैं। तो पाक शास्त्र और गायन शास्त्र, ये दो शास्त्र यदि मानव के बहुत अच्छे हों तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं बहुत जल्दी। आप ठाकुर जी से प्रीति करो वो बात अलग है, लेकिन यदि दो भाव आपके यदि मधुर हैं तो ठाकुर जी आपसे प्रीति करने लग जाएंगे। ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण मैंने भक्तों के चरित्र में देखे हैं। गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसी मेहता को तारू वैवार सवारने को वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। एक भाव में गाया करता हूं, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जा। आपने जितने भी तारे उनसे कोई ना कोई आपका काम बन रहा है। गजेंद्र को क्यों तारा, उसकी सवारी करनी थी आपको। खावने पकावने को मीराबाई तारी है, मेड़ता की मीराबाई। राजस्थानी लोग तो भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, ठाकुर जी ने कहा इसको तार दो, बढ़िया वैकुंठ में बढ़िया सब्जी रोटी बना खिलाया करेगी, तार दिया। नरसी मेहता को तारो वही बार सवारने को, इतने लोग दान दक्षिणा देते हैं भाई कोई एक मुनीम भी होना चाहिए, तो ठाकुर जी नरसी मेहता को तार दिया। और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है, जयदेव को क्यों तार दिया, बोले वेद सुनाएगा बढ़िया बढ़िया स्तुति बना बना करके सुनाया करेगा। सबको आपने तारो, रैदास को क्यों तारो, बोले चामड़ा मधावने को, बोले हमारे बढ़िया बढ़िया सुंदर जूती आदि बना दिया करेगा जब कभी भी हम चलने जाया करेंगे। सबको तारा आपने अपनी व्यवस्था के लिए, मैं आपके किसी काम का नहीं, भयंकर आलसी हूं मैं, मुझे तार के दिखाओ तो मैं जानूं कि आप तारणहार हो। हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, सुना है तारे है तुमने ला, सुना है तारे है तुमने ला, हमें जो हमें जो तारों
I'm gonna do it.
सुना है तारे तुमने लाखों हमें जो तारों तो हम भी जाने सुना है तारे हैं तुमने लाखों हमें जो तारों तो हम भी जाने। ठाकुर जी को तारना पड़ता नहीं है, ठाकुर जी तारते ही हैं। इसी वचन के साथ में आचार्य इस पृथ्वी पर पधारे हैं। भगवान ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्रीमन नारायण ने शेषनाग जी को आज्ञा की कि कलिकाल प्रारंभ हुआ है, हमारे रूप का, हमारे विधि का, विधान का, स्वरूप का, हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का, हमारे नियमों का, सबका अनादर होना शुरू हो गया है। आप आचार्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जाइए और जाकर के इन सबको विधि विधान से सत्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। शेषनाग बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे? बोले हमको आप भेज तो दोगे लेकिन फिर आप बहुत ज्यादा नियम कानून देखने लगते हैं फिर लोगों को उद्धार करने में। इसने इतना वजन किया है, इसने ये नियम किया है, उसने वो तपस्या की है, ऐसा किया है, तो ही आप उसको तारते हो, वरना आप उसका मुक्ति का मार्ग बंद रखते हो। श्रीमन नारायण बोले तो फिर आपकी इच्छा क्या है, आप कैसे जाओगे पृथ्वी पर? तो बोले पहले वचन दीजिए हमको। नारायण भगवान बोले क्या वचन चाहिए? बोले पहले हाथ रखो, बोले कि मैं जो मांगूंगा सो दोगे तो जाऊंगा मैं। तो श्रीमन नारायण ने शेषनाग के भुजाओं पर अपना हाथ रखा, बोले बोलो हम वचन देते हैं, जो मांगोगे सो देंगे। शेषनाग ने कहा नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर ये नम्रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा परा नारायण दया सिंधु श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण महाप्रभु की जय। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हमारी जानने योग्य बात है और हमको ये सुन के खुशी होगी, इसलिए जरूर सुनो। शेषनाग भगवान ने हाथ बढ़ाया और नारायण भगवान का हाथ रख के बोला जो मांगूंगा सो दोगे, पहले मुझे वचन दो तब मैं जाऊंगा पृथ्वी पे। नारायण भगवान ने हाथ रख दिया, बोले जो मांगोगे सो दूंगा लेकिन तुम जाओ पृथ्वी पर। क्या मांगा? नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर ये नम्रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीन। हे नारायण, हे दया सिंधु,
आप वात्सल्य भाजन हैं, आप वात्सल्य के गुण सागर हैं, सब पर कृपा करते हैं, भक्त वत्सल हैं। ये कलयुग के लोग ना, ये लोग बड़े भोले हैं। मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, हे प्रभु, आपके सामने आकर के अपने नेत्रों से एक बार यदि कोई आपको केवल देख भर लेना, चाहे वो कितने भी अपराध उसके जीवन में हो, कितने भी पाप वो अपने जीवन में करके आया हो, कितने भी जन्मों जन्मांतर के उसके पाप हो, लेकिन वो यदि आपके सामने आकर के देख ले और अबोध बालक की तरह केवल आपको प्रणाम कर ले। बालक छोटा होता है, माता पिता उसको सिखा देते हैं प्रणाम कैसे करना है, लेकिन वो प्रणाम का मतलब नहीं जानता। उसको बता देते हैं, बोले कि बेटा चलो राधे राधे बोलो, तो वो हाथ जोड़ता है। उसको ये नहीं पता राधे राधे का मतलब क्या होता है। उसको बोलेंगे प्रणाम करो तो सिर झुका देगा, बोले जय करो तो हाथ उठा देगा जय, लेकिन उसको जय का मतलब नहीं पता, प्रणाम का मतलब नहीं पता, हाथ जोड़ने का मतलब नहीं पता, राधे राधे का मतलब नहीं पता। लेकिन फिर भी वो बालक जब ये क्रिया करता है तो हमको कितनी खुशी होती है, कितना प्यारा बालक है, उसको गोद में लेने की इच्छा होती है। हे जगन्नाथ, जब सामान्य जीव आपके सामने आकर के केवल हाथ जोड़ के प्रणाम मात्र करे ना, तो एक बालक पर जैसे वात्सल्य भाव उमड़ता है ना, ऐसे उसको देख करके हे प्रभु ये नम रक्ष जगन्नाथ है, उसकी रक्षा करना प्रभु। यदि ये वचन आप मुझे दोगे तो मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तब भगवान ने कृपा करके शेषनाग को आज्ञा की कि आप जाइए, मैं वचन देता हूं, जो भी मेरे सामने आकर के केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम मात्र करेगा, उसकी रक्षा करने का दायित्व मैं उठा लूंगा, वो सदा सर्वदा मेरे रक्षक में रक्षार्थ बना रहे, ये जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी। तभी शेषनाग इस कलिकाल में भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की।